हे चलो ना ढूंढे शहर एक नया जहां मुस्कुराहटे हैं बिखरी जहां से गम का मौसम गया जहां मीठी बातें हर एक अजनबी से हो भूले हम भी जो सारी फिक्रे लम्हा लम्हा खुशियां बिखरे। Hello guys, welcome back to my channel Monster Zombie Vlogs. My name is Saikat and today I'm gonna take you to my old college, Sikkim Manipal Institute of Technology. Yes, I'm back to college. तो बहुत 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 साल बाद college वापस आ रहे हैं और बहुत कुछ change हो चुका है. अभी तो बस gate से entry कर रहे हैं. सब कुछ नया है यहाँ पे और अभी हम लोग जाके हम लोग अपने प्रोफेसर से मिलने वाले हैं. सो आई विल शो यू द होल वे. लेट्स गो. सो वी आर एंटरिंग आवर कॉलेज राइट नाउ. ये मेन गेट है. बहुत ही सारी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि हम लोग पॉकेट अभी चेक कर रहे हैं कि कुछ गलत चीज़ ना लेके आए. और अभी एंटर कर रहे हैं कॉलेज में. ये जो रास्ता है ये बहुत ही मेमोरेबल है हमारे लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम जब यहाँ पे थे हमारे पास ना कोई बाइक था ना कोई गाड़ी था तो हम ऐसे ही पैदल यहाँ से उतरा करते थे और अपने जितने भी ग्रॉसरीज थे कुछ भी शॉपिंग करते थे सब कुछ यहीं से लेके जाते थे. सो दिस स्पेशली दिस रोड इज वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर अस राइट नाउ. और ये था हमारा PMC विच इज पिया मिलन चौक. आई थिंक almost all engineering guys knows that. So इसका नाम PMC इसलिए रखा गया था क्योंकि right side जो road जाता है वो girls hostel की तरफ जाता है, left side वाला road boys hostel की तरफ. तो girls and boys used to meet up here and go to the shops to buy books. और यहाँ पे था mechanical और civil वालों का workshop जो हमने भी use किया था एक साल के लिए first year में. And then we realized कि हमसे ना हो पाएगा mechanical. और यहाँ पे था हमारा football field, cricket ground, volleyball court, and we also used to have our famous fest in Northeast that is Kal Rav. Let me show you how it was. That was just a glimpse of how Kal Rav was when I was in college. No doubt it was one of the biggest fest of Northeast. In front of me is the C block or D block. I don't remember it clearly. If you are from SMIT and you're watching this video right now, do let me know in the comment section which block is it. तो हमारे दोस्त लोग
वीडियोग्राफी आइडिया देते हुए ऐसे करके कैमरा लेके ऐसे तो रोमियो हमारा बहुत ही प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है, जिसमें कि जब भी वो वीडियो लेता है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता वीडियो में। आई डोंट लाइक टू ऑब्जेक्टिफाई थिंग्स। तो नाउ वी आर एंटरिंग एंड वी आर ट्राइंग टू एंटर आवर हॉस्टल। तो देखते हैं कहीं से अगर दरवाज़ा खुला मिला तो घुसेंगे। ये था हम लोग का बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे खेलते थे हम लोग। और क्या बताओ यार, बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि यहीं पे 4 साल गुजरा है। तो ये हमारा मेस था, यहीं पे बहुत अच्छा खाना मिलता था। जो लोग सिक्किम मणिपुर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चली गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा रोमिया खाना मेस से खाना लेते हुए, पहली बार रोमी इतना एक्साइटेड है मेस में खाना खाने में। तो मेस तो बहुत बदल चुका है, हमारे टाइम में इतना कुछ नहीं था, बहुत ही छोटा मेस था पर अब बहुत स्पेशियस हो गया है। तो यहीं से खाना खा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मेस हुआ करता था, यहाँ से जाते थे अपना मेस। तो ये है नया जिम, ओ माय गॉड, वुडन फ्लोरिंग भाई, देख रहा है। वाह कितना सुंदर जिम बनाया है, बहुत ही फैंसी। काफी बड़ा जिम है यार, दीप थोड़ा डेमो दिखाया जाए। तो फाइनली जिम हो गया हमारा, तो हमने तो नहीं किया जिम ऑब्वियसली, हमारे बंधु दीप ने किया। अभी हम जा रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ, जिसमें रोमी एकदम भी एक्साइटेड नहीं। कब जाके समोसा चाट खाएगा सोच रहा है। समोसा चाट क्या जगह है देख रहा है भाई, हॉस्टल कॉलेज के अंदर। भाई गजब बना यार, ओह भाई साहब, लाइट्स ऑन करने का सबसे मजा आएगा। हाँ भाई ह्यूज बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है, ह्यूज देख रहा है भाई। मैं अब तो मन कर रहा है कॉलेज वापस एडमिशन ले ले यार। डैम ये तो ड्रीम था यार, ऐसा बास्केटबॉल कोर्ट में कभी खेलने को मिले।
पर सैडली हमारे पास अभी कोई बास्केटबॉल नहीं है। जैसे आपने देखा ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू एक्सपीरियंस था। मतलब मैं तो सोचा ही नहीं था कि मुझे यहाँ पे खेलना मिलेगा, तो इट वाज रियली रियली अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कॉलेज में आके, बहुत कुछ चेंजेस है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया मैंने कि ऑलमोस्ट सब कुछ ही डिफरेंट है यहाँ पे। वुडन बास्केटबॉल कोर्ट, मतलब इट वाज जस्ट अ ड्रीम टू प्ले इन दैट। तो अभी फाइनली वो हो चुका है और हमें OBH में एंट्री तो नहीं मिला क्योंकि OBH पूरा लॉक्ड है, तो हमें NBH में घुसने मिला है। NBH इज़ न्यू बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में थे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं न्यू बॉयज़ हॉस्टल। तो ये था हमारा न्यू बॉयज़ हॉस्टल, चलिए इसे चल। तो यहीं पे था हम लोग का रूम, कौन सा था वो। तो फर्स्ट ईयर में ये था रोमी का रूम। और यहाँ पे हम लोग सब नज़ारा देखते थे। यहाँ पे धोबी वाला बैठता था ना इस जगह पे, रोमी धोबी वाला बैठता था ना। और यहाँ पे था मेरा रूम फर्स्ट ईयर में, दिस वॉज अवर रूम N303। तो बहुत सारे मेमोरीज याद आ रहे हैं। पहले यहाँ पे ये ग्रिल पहले नहीं हुआ करता था, तो यहाँ से पूरा तीस्ता का व्यू मिलता था हमें। तो यहीं से क्लासेस जाता था। अरे भाई ये देख रहे हो, लॉन टेनिस नेट हटा दिया। कहाँ देख रहे हो रोमिया, कहाँ पे अंदर दो तो बैठा हुआ पत्थर। हाँ असली है वो, दिखा दिखा, असली मछली है यार। यहीं से हम क्लासेस जाते थे पहले। वहीं पे हमारा क्लासेस था ना, वो जगह पे। Alright, so we met our professors. On my left is Sona ma'am and on my right is Meenakshi ma'am. Thank you so much Sona ma'am for helping me shoot this video even though the college was closed at that time. Thank you so much guys for watching this video. What I've recently observed is only 24% of the viewers are subscribers and rest are non-subscribers. So I would really request you guys to subscribe to my channel so that I create more videos for you guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.